हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन, भाई बहन के रिश्ते का पवित्र बंधन का दिन है आज। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तभी तो मैं दिख रही हूँ, राखी लेके खड़ी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली को। भाई बहन का पावन रिश्ता इसी तरह से बना रहे। और यहाँ देखिए, बच्चे हो रहे हैं रेडी, अभी थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। 1:30 बज चुके हैं, देर क्या जाए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ देखिए, तन्नु कर रही है आज पूजा। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं तन्नु से कराती हूँ कि तन्नु भी सीख जाए, जो कि ज़रूरी है बच्चों को अपने फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ सिखाना। तो मैं भी वही कर रही हूँ कि जैसे हम भी ऐसे सीखते थे जब हम छोटे थे। तो मैंने सोचा तन्नु से ही छोटी छोटी चीज़ें करा लेती हूँ, तो ऐसे तन्नु सीख भी जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। वैसे मैं काम तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहती हूँ वो भी कुछ अपने कल्चर के बारे में जाने। तो यहाँ मेरी पूजा तैयार हो, मतलब यहाँ मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। जैसे कि कहा गया कि 1:30 बजे के बाद राखी होगी, तो यहाँ 1:30 बजे के बाद पूजा हुई। तो यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, यहाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ करते हैं पूजा और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। आज देखते हैं क्या क्या होता है, आज कैसे घर जाएंगे। आज लेट तो यहीं हो गया है, क्योंकि 1:30 तो यहीं बज गया है। अभी देखो आज कितना जाम मिलने वाला है। तो अभी सबसे पहले करते हैं अपनी रक्षाबंधन की पूजा। यहाँ मैं और तन्नू कर रहे हैं, तो तन्नू मेरी पूरी हेल्प करती है और अब हेल्प कर रही हो मेरी साथ में बैठ के। तो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से निपटाती हूँ मैं अपने काम और देखते रहिए मेरा व्लॉग। तो ये लक्की भी मेरे आसपास ही घूम रहा है, देख रहा है कि आज क्या हो रहा है घर में। कुछ डिफरेंट ही चल रहा है, मतलब पूजा पाठ चल रही है। तो बार बार लक्की मेरे पीछे आ जाता है, कभी तन्नू के पीछे चला जाता है। तो यहाँ तन्नू की हो गई है पूजा। तो जब तन्नू नहीं थी तो बड़ा ही सूना सूना रहता था त्यौहार, ऐसा लगता था रक्षाबंधन पे। क्योंकि बड़ा वाला बेटा जब अकेला था तो तन्नू नहीं थी तो बड़ा अजीब सा लगता था। जब से तन्नू आई है, जब से घर में इतनी रौनक हो गई है, मतलब हर फेस्टिवल की एक अलग ही रौनक होती है। क्योंकि तन्नू है तो बहुत रौनक हो गई है। तो तन्नू के आने से इतना अच्छा लगता है त्यौहार पे। जब मैं अकेली थी तो मैं खुद ही सब कुछ करती थी, लेकिन अब तन्नू मेरी हेल्प करने के लिए आ गई है। तो फ्रेंड्स, वैसे भी कहते हैं कि जिस घर में बेटी ना हो उस घर में कोई मतलब त्यौहार की रौनक नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल सच है, और मैंने भी ये बात तब से जानी है जब से मेरी गुड़िया आई है। तो मैं यही कहूँगी कि सबके घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे त्यौहार की रौनक, भाई बहन की जोड़ी बनी रहती है। तो ऐसी प्यारी सी बिटिया सबके घर में होनी चाहिए। नहीं मिले ना, खत्म हो गए। एक ही रखेंगे, दो तरह कम से कम। दुकान जी को खिला। तो यहाँ गुलाब जामुन खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी को राखी बन चुकी है, देखिए छंदल छंदल लग रहे हैं। मिठाई रखते कृष्णा, इसमें डिब्बे में से खोल के। भैया खा लो मिठाई, मिठाई रखते इसमें। देखो किस थाली सजाई है।
बैठ जाओ तो। छुट्टी वाले दिन लेट उठे हैं मजे से। मिल्क केक हमें तो कोई ये मिले रसगुल्ले। राहुल पैसा वैसा लाया? तू तो लंबी होगी नहीं था भैया, कितनी लंबी होगी? पेट दे तो नहीं वो हो जाते हैं ऐसे है। गाना गा दो राखी भाई भैया मेरे। लाइट आ गई। तो राखी के शुभ मौके पर आ चुकी है हमारी नंदरानी, लाडली नंद है हमारी प्यारी सी। जितनी भी तारीफ करो इसकी उतनी कम है, बहुत ही प्यारी है। मतलब मेरी और इसकी इतनी अच्छी बाउंडिंग है कि हम नंद भाभी जैसा हमारा रिलेशन ही नहीं है। एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है मेरे इसके साथ। सोना चांदी पहना है, सोना चांदी ये राखी और क्या नहीं चल रही है ना, यही मंगा रही थी मैं। वो कौन सी दिन कौन सी हाँ नहीं चल रही है, ब्रेसलेट टाइप आज पहला कर रही हूँ भावे दा तो भी कर लेंगे वो भेजने दूधरा लड़की तू भी मजनू भाई जाओ। इसे पता लग गया बिस्किट जो करती है एक आरती भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बच्चों की बुआ जा चुकी है और मैं भी अब अपना सामान रखती हूँ और मैं भी चलती हूँ अब अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरे भाइयों की राखी और अब चलते हैं अपने मायके। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि ऐसे में तो हर बार ही जाम इतना मिलता है कि 2 घंटे लगे या 3 घंटे अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। 4:30 बज रहे हैं तो 4:30 बजे देखते हैं कितना जाम मिलेगा। और अब मैं निकल गई हूँ, वहीं जाके रेडी होंगी। जैसी भी हूँ ऐसे ही बैठ गई हूँ तो सोचा वहीं जाके रेडी होती हूँ, क्योंकि बहुत तो नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा मायके का कि मायके में राखी कैसे सेलिब्रेट की भाई बहनों ने हम सब ने मिल के। देखते हैं वहाँ कौन कौन मिलता है और कितने बजे मैं पहुँचती हूँ, टाइम से पहुँचूँगी या लेट पहुँचूँगी अभी कुछ नहीं पता।